दोस्तों, वेलकम, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर दिनांक 5 दिसंबर 2020 के सभी करंट अफेयर्स को लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ आप इसकी जो PDF है वो भी प्राप्त कर सकते हैं हमारे चैनल आरएस जंक्शन से। तो यूट्यूब पर प्ले स्टोर से जाकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को, और वहां पर आपको हमारे करंट अफेयर्स की 6 मंथली और 2 मंथली PDF भी मिल जाएगी। चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान का नया मुख्य सूचना आयुक्त चुना गया है? तो दोस्तों 4 दिसंबर को जो है राज्यपाल श्री कलराज मिश्र द्वारा DB गुप्ता, जो कि राजस्थान के पूर्व सचिव भी रहे हैं, उनको जो है मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति दी गई है। और इसी नियुक्ति के साथ अब जो है राज्य को नया मुख्य सूचना आयुक्त मिल गया है, क्योंकि पहले आशुतोष शर्मा जो है वो कार्यवाहक मुख्य जो सूचना आयुक्त उसके रूप में काम कर रहे थे और वो भी 5 नवंबर को हाल ही में रिटायर हो गए हैं। इसके साथ ही 2 अन्य सूचना आयुक्त भी नियुक्त हुए जिसमें नारायण बारेठ और शीतल धनखड़ भी सम्मिलित हैं। तो पूर्व मुख्य सचिव DB गुप्ता जो है वो राजस्थान के नए मुख्य सूचना आयुक्त बन गए हैं। कुछ जानकारी अगर मैं आपको दूं तो जो राजस्थान सूचना आयोग है इसका गठन 18 अप्रैल 2006 को किया गया, जो 2005 का सूचना का अधिकार अधिनियम है उसके अंतर्गत। नारायण बारेठ की बात करें तो वो एक पत्रकार है और BCC राजस्थान के संवाददाता रह चुके हैं। वहीं पर शीतल धनखड़ जो है वे RTDC अर्थात जो राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उसके पूर्व चेयरमैन रणदीप धनखड़ की बेटी है, जबकि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ की वो भतीजी लगती है। आशुतोष शर्मा रिटायर हो चुके हैं। वर्तमान में 2 अन्य सूचना आयुक्तों में राजेंद्र प्रसाद बरवार और श्री लक्ष्मण सिंह राठौड़ सम्मिलित है। तो इस समय 1 मुख्य सूचना आयुक्त और 4 अन्य सूचना आयुक्त हमारे हैं, जबकि प्रावधानों के अनुसार राज्य में 1 मुख्य सूचना आयुक्त और आवश्यकता अनुसार अधिकतम 10 राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त हो सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिसंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस एक पूर्व प्रधानमंत्री का स्मारिका डाक टिकट जारी किया गया? तो दोस्तों IK गुजराल की पुण्यतिथि के अवसर पर 4 दिसंबर 2020 को जो है श्रद्धांजलि में एक स्मारिका डाक टिकट जो है वो जारी किया गया है। दोस्तों इंद्र कुमार गुजराल जो है भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे और उन्होंने अप्रैल 1997 से लेकर मार्च 1998 तक भारत में काम किया। उन्हें भारतीय राजनीति के भद्र पुरुष के नाम से भी जाना जाता है और बहुत ही सीधा साधा इंसान उन्हें माना जाता रहा है। जब वे विदेश मंत्री थे तब 1996 में उन्होंने भारत को CTBT अर्थात कंप्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी पर दस्तखत नहीं करने दिए थे। इसके अलावा वे जाने जाते हैं फेमस गुजराल डॉक्ट्राइन के लिए। तो गुजराल सिद्धांत उन्होंने दिया जो कि भारत की विदेश नीति में मील का पत्थर माना जाता है और आज तक भी इसका पालन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत जब ये विदेश मंत्री रहे HD देवगौड़ा सरकार में तब 1996 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया। सिद्धांत क्या कहता है? सिद्धांत के अनुसार भारत जो है चूंकि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है और इसीलिए इसकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने आसपास के छोटे पड़ोसी देशों को एक तरफा रियायत देते हुए उनसे अच्छा संबंध बनाए रखे। अर्थात भारत बिना किसी प्रतिफल की इच्छा किए सीधा सीधा पहले अपने देशों को साथी देशों को जो है मदद करे ताकि उनका विश्वास जीत सके और इसके साथ ही अपनी स्थिति को मजबूत कर सके। तो जो मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान जैसे देश हैं उनके साथ जो भी विवाद है उनको सुलझाया जाए, इसी को लेकर के बांग्लादेश के साथ जो नदी समझौता है वो भी बाद में किया गया था। दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। तो पूर्वी हिंद महासागर में नौसेना जो हमारी है भारतीय नौसेना वो रूस की नौसेना के साथ में मिलकर के और पैसेज अभ्यास जिसको पासेक्स बोल सकते हैं, पैसेज एक्सरसाइज जो है तो शॉर्ट फॉर्म में पासेक्स जो है वो नौसेना अभ्यास किया जा रहा है। 4 से 5 दिसंबर 2020 को पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में रूसी फेडरेशन नेवी के साथ ये अभ्यास हो रहा है और इस अभ्यास में रूस की ओर से दिशा निर्देशित मिसाइल क्रूजर वर्याग, बड़ा पनडुब्बी रोधी जहाज एडमिरल पेंटेलेव और मध्यम दूरी का महासागरीय टैंकर पचेंगा हिस्सा ले रहे हैं, जबकि हमारे स्वदेश निर्मित दिशा निर्देशित मिसाइल युद्धपोत शिवालिक पनडुब्बी रोधी जहाज के रूप में कदमत और अभिन्न हेलीकॉप्टर जो है वह हिस्सा ले रहे हैं। अभ्यास इसलिए किया जा रहा है ताकि हमारी नौसेना रूस की नौसेना के साथ बेहतर तालमेल बढ़ा सके और बेहतरीन कार्यप्रणाली को अपना सके। इसमें पनडुब्बी रोधी और सतह के उन्नत युद्ध अभ्यास, हथियारों की फायरिंग, नाविक कला अभ्यास और हेलीकॉप्टर संचालन जैसी गतिविधियां की जाएगी। अगर बात करें रेगुलर एक्सरसाइज की तो भारत और रूस के बीच में इंद्र नेवी जैसा जो है युद्ध अभ्यास किया जाता है। वैसे तो इसके इंद्र के 3 संस्करण होते हैं, ठीक है,
लेकिन इस साल जो है इसका केवल समुद्री संस्करण आयोजित किया गया कोरोना की वजह से, और ये भी 4 से 5 सितंबर 2020 को किया। द्विवार्षिक युद्धाभ्यास है जो कि 2003 से किया जा रहा है इंद्र नेवी, और जो पैसेक्स है ये जो पासेक्स युद्धाभ्यास है किसी भी देश के साथ भारत करता है चयनित करके, लेकिन इंद्र नेवी जो है वो रूस के साथ द्विवार्षिक युद्धाभ्यास है जो नियमित रूप से होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टाइम्स मैगजीन जो कि एक प्रतिष्ठित मैगजीन है उसके द्वारा फर्स्ट एवर किड ऑफ द ईयर जो है उसकी घोषणा की गई है, और इस वर्ष 2020 के लिए भारतीय मूल की गीतांजलि राव को चुना गया है। भारतीय मूल की गीतांजलि राव एक यंग साइंटिस्ट के रूप में और इनोवेटर के रूप में जानी जाती हैं, और उन्हें फर्स्ट एवर किड ऑफ द ईयर के रूप में छापा गया, मतलब पहली बार कोई किड ऑफ द ईयर चुना गया और वो भी भारतीय मूल की बालिका को चुना गया है जो भारत अमेरिकी है। गीतांजलि को 5,000 से भी ज्यादा बच्चों में से नामांकित किया गया और उनको टाइम मैगजीन के 4 दिसंबर के कवर पेज पर जगह दी गई। गीतांजलि राव एक साइंटिस्ट और इनोवेटर है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन्होंने ओपीएम अर्थात जो अफीम है उसके लक्ष्य से और साइबर बुलिंग से लोगों को निकालने में सफलता हासिल की है। साइबर बुलिंग क्या होता है? साइबर बुलिंग का तात्पर्य बच्चों को जो है ऑनलाइन नेट के माध्यम से धमकाना या टीज करना जो है वो साइबर बुलिंग के अंतर्गत आता है। तो उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाया किंडली और एक क्रोम एक्सटेंशन बनाया है जिसके माध्यम से साइबर बुलिंग का वो पता लगाते हैं मशीन लर्निंग के माध्यम से। इसके अलावा गीतांजलि ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एक ऐसा सेंसर भी बनाया जो पानी में लेड यानी शीशे की मात्रा का पता लगाता है जो कि घातक है हमारे न्यूरल सिस्टम के लिए। तो शीशे की अगर अधिक मात्रा हो तो न्यूरल सिस्टम डैमेज हो सकता है और बच्चों को काफ़ी नुकसान होता है। तो मोबाइल की तरह दिखने वाली ये डिवाइस जो है उसका नाम है टैथिस, और ये डिवाइस पानी में कुछ सेकंड के लिए हम डालेंगे तो ये बता देता है कि पानी में कितनी लेड की मात्रा है। इसी वजह से उन्हें हाल ही में अमेरिका का टॉप यंग साइंटिस्ट अवार्ड भी दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों शिक्षा से जुड़ा है। ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 मिला है इस बार भारत के ही एक शिक्षक को जिनका नाम है रंजीत सिंह दिसाले और जो संबंध रखते हैं महाराष्ट्र से। तो भारत के एक प्राथमिक स्कूल के शिक्षक हैं जिनको बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और देश में शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए QR अर्थात क्विक रेस्पॉन्स कोड, जो QR कोड आपने देखा होगा आजकल पेमेंट्स के लिए बहुत प्रयोग होता है, इस तरह से इसमें लाइंस होते हैं ठीक है, और आप अपने मोबाइल से गूगल पे और इनमें QR कोड स्कैन भी करते होंगे, तो ये QR कोड जो है उसका उपयोग उन्होंने पाठ्य पुस्तकों में किया था। जो PDF फाइल्स पाठ्य पुस्तकों की होती है उनमें इन्होंने QR कोड की व्यवस्था करते हुए और बहुत लोगों तक इसे पहुंचाने का प्रयास किया है। तो $10,00,000 का वार्षिक ग्लोबल टीचर प्राइज इनको मिला है। इन्होंने घोषणा भी की है कि इस प्राइज को जो है ये अपने साथी टीचर्स से शेयर करेंगे। ये महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के पारितेवादी गांव के हैं और 32 साल के रंजीत सिंह दिसाले ने अंतिम 10 प्रतिभागियों में पहुंचकर विजेता बनने का खिताब अपने नाम किया है। वार के फाउंडेशन ने असाधारण शिक्षक को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कृत करने के उद्देश्य से 2014 में ये पुरस्कार शुरू किया था। तो ये जो पुरस्कार दिया जाता है ये वार के फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है 2014 से। दिसाले महाराष्ट्र में QR कोड करने वाले पहले व्यक्ति थे और प्रस्ताव सौंपे जाने पर बाद में राज्य मंत्रिमंडल ने 2017 से सभी पुस्तकों में इसे शुरू किया। इसके बाद 2018 में जो NCERT की पुस्तकें हैं उनमें भी QR कोड को लागू किया गया। देखिए यहाँ से आपके साइंस का एक क्वेश्चन बनता है, तो इसको मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूँ। QR कोड क्या है? QR या क्विक रेस्पॉन्स कोड जो है बार कोड का ही एक 2-डायमेंशनल वर्जन है। बार कोड में आपने देखा होगा इस तरह से लाइन्स बनी आती है बड़ी छोटी ठीक है, और इन लाइन्स को स्कैन करके और आपको ये पता चलता है कि उसमें क्या इन्फॉर्मेशन है। लेकिन QR कोड जो है वो 2-डायमेंशनल है। बार कोड 1 डायमेंशन में बनता है जबकि QR कोड 2-डायमेंशनल है। तो इसका फायदा ये होता है कि इसमें ज्यादा मात्रा में जानकारी संग्रहित होती है। बारकोड में केवल 8 से लेकर 15 कैरेक्टर तक संग्रहित किए जा सकते हैं, लेकिन QR कोड में इनकी संख्या 7,000 तक हो सकती है। इसके अलावा QR कोड को किसी भी दिशा से 10 गुना ज्यादा तेजी से स्कैन किया जा सकता है। मतलब बारकोड में आपको जो आपकी बीम है लाइट की बीम उसको बारकोड पर डालना होता है, लेकिन QR कोड आप किसी भी एंगल से स्कैन करेंगे तुरंत ही उसको स्कैन कर लेता है। आजकल के जितने भी पेमेंट ऐप्स हैं चाहे वो गूगल पे हो, फोन पे हो, पेटीएम पे हो, सभी में आपको ये बारकोड का जो QR कोड है इसका प्रयोग देखने को मिलता है। दुकानों पर भी आपने इसे देखा होगा। तो यह है दोस्तों आज के करंट अफेयर्स जिस पर मैंने चर्चा की। इनके PDF के लिए आप डाउनलोड करें आज ही RS जंक्शन एप्लीकेशन जहां पर ढेर सारे कोर्सेज अवेलेबल है आपके विभिन्न एग्जाम्स के लिए। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इसी तरह। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।